अगर आप किसी से पी टू पी ट्रेडिंग करते हैं और आपने पेमेंट सामने वाले जो सेलर है उसके पास भेज देते हो और सेलर आपको क्रिप्टो नहीं देते, आपका यूएसडीटी आपको रिलीज नहीं करते आपका अकाउंट पे, तो उस टाइम पे आपको क्या क्या करना चाहिए सब कुछ आज की वीडियो में एकदम कंप्लीट बताएंगे, ठीक है। तो देखो, जब सामने वाले बंदे जो क्रिप्टो रिलीज़ करते तो आपका जो फंडिंग अकाउंट है फंडिंग अकाउंट के अंदर आता है। तो आप एक बार आपका फंडिंग अकाउंट चेक कर लेना। मैंने यहाँ पर $2,500 का एक बार परचेस किया था, तो यहाँ पर मेरा फंडिंग अकाउंट के अंदर आ चुका है। तो आप फंडिंग अकाउंट से जो कि स्पॉट अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करके ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा आ चुका है, आपको दिखाऊंगा क्या क्या प्रॉब्लम आता है ट्रेडिंग के अंदर पी टू पी, जब सामने वाले सेलर नहीं देता है तो उस टाइम कैसे आप जो कि उससे क्रिप्टो ले सकते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले पी टू पी के अंदर जाना है और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कोई भी एक ट्रेडिंग लेके। तो यहाँ पर छोटा मोटा अमाउंट का मैं लेके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर 2000 का एक ही, इसको मैं क्लिक कर दिया और यहाँ पर 2000 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद बाय विथ जीरो फी के ऊपर मैंने कर दिया क्लिक और यहाँ पर अभी देखो एक जो कि चैट बॉक्स के अंदर मैसेज आ जाएगा और यहाँ पर इसका जो मोबाइल नंबर है वो इसने मुझे दे दिया, ठीक है। तो कुछ सेलर यहाँ पर कुछ लिख देता कि थर्ड पार्टी पेमेंट नॉट एक्सेप्ट, सेम नेम का अकाउंट होना चाहिए, बहुत कुछ लिखता है, ठीक है। आप यहाँ पर आके एक बार पढ़ लेना, अगर आप गलती कर देते हो थर्ड पार्टी यहाँ पर अगर लिखा है, आप अगर कोई अदर्स अकाउंट से यहाँ पर भेज देते हो, थर्ड पार्टी मतलब देखो मेरा नाम का बाइनेंस अकाउंट है राहुल विश्वास और मेरा UPI ID मेरा नाम का जो UPI ID है राहुल विश्वास उसी नाम से मेरे को भेजना पड़ेगा, मैं अदर्स किसी का नहीं भेज सकता। अगर मेरे भाई का भेजूँ तो नहीं होगा, ठीक है। उस टाइम पे यहाँ पर सेलर बोलेगा कि 5% चार्ज कटेगा, इसे बहुत कुछ बोलता है, क्या क्या बोलते हैं सब कुछ आगे जाके बताऊँगा। तो यहाँ पर एक बार को मान लो मैंने यहाँ पर पेमेंट कर दिया इसको, ठीक है, मेक पेमेंट यहाँ पर ट्रांसफर टू सेलर नोटिफाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पेमेंट कर दिया और अभी देखो आप भी जो कि यहाँ पर सेलर की तरफ से जो कि कुछ मैसेज वगैरह आ सकता है कि आपने पेमेंट नहीं किया, आपको क्रिप्टो नहीं मिलेगा, ठीक है, आपका जो ट्रेड है उसको कैंसिल कर दो। तो आप गलती से भी कभी भी यहाँ पर आपका जो ट्रेड यहाँ पर कैंसिल के ऊपर करके कभी भी कैंसिल मत करना। जब तक आपको क्रिप्टो नहीं मिलता या फिर आपको फुल पैसा रिफंड नहीं मिलता तब तक आप यहाँ पर आकर कैंसिल कभी भी मत करना। तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर सामने वाले बंदे को आपने पैसा भेज दिया उसके बाद, भेजने से पहले कुछ मत करना, अगर सामने वाले बंदे को आपने पैसा भेज दिया तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नीचे देखिए एक अपील का ऑप्शन मिलेगा, अपील के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो अपील के ऊपर क्लिक करने को ओके के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर चैट बॉक्स ओपन हो गया, फिर से मैं काट देता हूँ। उसके बाद अपील के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर देखो यहाँ पर कुछ टाइम दिखा रहे, ठीक है, तो 9 मिनट बाद यहाँ पर अपील कर सकते हो, यहाँ पर रिपोर्ट के ऑप्शन पे रिपोर्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर रिपोर्ट नहीं करना है आपको, आपको बस अपील करना है, ठीक है। तो अपील कैसे आपके सामने इंटरफेस आएगा आपको मैं दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से आपके इंटरफेस आएगा। यहाँ पर जो जो डिटेल्स आपसे मांगता है वो डिटेल्स आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट बैंक का जो आपने पेमेंट किया उसको, उसका स्क्रीनशॉट डालना पड़ेगा। रिलीज पर अपील पे लिखना है INR ट्रांसफर बट सेलर नॉट रिलीज क्रिप्टो। उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सेलर आपसे जो जो मांग रहा है एक्स्ट्रा फी वगैरह वो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिखना है और नीचे आपको एक फ़ोटो दे देना है आपका मनी ट्रांसफर का, ठीक है। उसको अपील के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखो आपको अपील करने का ऑप्शन जो कि यहाँ पर टाइम चल रहा है इसके बाद ही जाके मिलेगा। तो आप बस पेमेंट कर दिया, अगर सामने वाले बंदे आपको क्रिप्टो रिलीज़ नहीं करता है तो आपको उस टाइम पर अपील कर देना है, ठीक है। और अपील करने के बाद सामने वाले बंदे आपको ये बोल सकते हैं कि आप जो कि उसको कैंसिल कर दो अपील को और ट्रेड को कैंसिल कर दो, मैं आपका फुल पैसा रिफंड कर देता हूँ। लेकिन आपको कभी भी यहाँ पर कैंसिल नहीं करना है, अगर कैंसिल करोगे तो आप फंस जाओगे, आपको क्रिप्टो नहीं मिलेगा और रिफंड भी नहीं मिलेगा। और एक टाइम पे बोल सकते कि 5% चार्ज कट के मैं आपको रिफंड दूंगा, आप बोलना कि 5% चार्ज नहीं लूँगा, मतलब चार्ज नहीं दूंगा आपको मैं, आप मेरा फुल पैसा रिफंड करो मैं कैंसिल कर देता हूँ। आप पहले कभी भी कैंसिल मत करना, पहले आपका फुल पैसा रिफंड या फिर आपका जो क्रिप्टो है वो रिलीज कर देता है, उसके बाद ही जाके आप जो कि कैंसिल करना, ठीक है। तो वो पैसा आपको रिफंड नहीं करता है कभी भी, ज़्यादातर जो कि आपको जो आपका क्रिप्टो है वो रिलीज कर देगा सामने वाले बंदे, ठीक है। तो यहाँ पर आप कभी भी गलती मत करना।
अगर अगर देखो कभी भी यहाँ पर कैंसिल मत करना, बस इतना ही करना, आप कैंसिल मत करना, और अपील के अंदर जाके आप बस यहाँ पर अपील वगैरह जो भी है कर कर लेना, ठीक है। तो बस आपको अपील यहाँ पर करना है, तो यहाँ पर अपील करने के बाद आपका जो क्रिप्टो है वो सामने वाले बंदे आपको दे दे। अपील करने के बाद बाइनेंस का एजेंट आप और सेलर आप दोनों से दो चार क्वेश्चन पूछेगा, दो चार प्रूफ मांगेगा बैंक अकाउंट का, तो आप दे देना बस बिना टेंशन का, आपको मिल जाएगा आपका क्रिप्टो, ठीक है।